हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो टुडे इज़ माय टॉपिक की स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस करा मीनिंग, डेफिनेशन एंड नेचर ऑफ सोशियोलॉजी। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। सो लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज टॉपिक, दैट इज स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। सो हेयर इज टू टाइप्स ऑफ स्कोप। फर्स्ट वन इज़ इन द फील्ड ऑफ नॉलेज एंड सेकेंड वन इज़ इन द फील्ड ऑफ प्रोफेशन। तो एक तो सोशियोलॉजी क्या करते हैं, हमें नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, हमें बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज सोशियोलॉजी के थ्रू पता चलती है। एंड सेकंड वन है हमारा इन दी फील्ड ऑफ प्रोफेशन, जहाँ पे हम काम कर रहे हैं, हमें लोगों के साथ कैसे डील करना है, कैसे इंटरेक्ट करना है, ये सारी चीज़ें हम कहाँ से सीखते हैं, सोसाइटी से। एंड सोशियोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ सोसाइटी। सो हमारे पास बेसिकली टू पॉइंट्स हैं, इन द फील्ड ऑफ नॉलेज एंड इन द फील्ड ऑफ प्रोफेशन। तो इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट, स्कोप इन द फील्ड ऑफ नॉलेज। फर्स्ट वन इज, सोसाइटी इज द वेब ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस एंड ऑल दीज इंस्टीट्यूशन आर इंटरलेटेड एंड इंटरलिंक्ड विद ईच अदर। तो सोसाइटी क्या है, वेब ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन। वेब मीन्स नेट, जो मकड़ी का जाला होता है वैसे ही एक नेट है, जहाँ पे सारे इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड होते हैं, इंटररिलेटेड होते हैं, जहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे से गेन करते हैं। सेकंड पॉइंट इज, सोशियोलॉजिस्ट हैव द बेसिक एंड प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज़ टू बिल्ड अप नॉलेज अबाउट द सोसाइटी एंड सोशल इंटरेक्शन। सोशियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, स्टडी ऑफ सोसाइटी। तो उनके पास जो बेसिक एंड प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होते हैं, उनसे क्या होते हैं, नॉलेज बिल्ड होती है रिगार्डिंग सोसाइटी एंड सोशल इंटरेक्शन। तो जो सोशियोलॉजिस्ट होते हैं, उनके पास सोसाइटी के रिगार्डिंग सोशल इंटरेक्शन कैसे करना है, हमें लोगों के साथ कैसे इंटरेक्ट करना है, उनके पास जो बेसिक और प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होते हैं, उनसे क्या होते हैं, नॉलेज बिल्ड होता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, सोशियोलॉजिस्ट आर रिक्वायर्ड टू गेन द नो हाउ अबाउट द सोशल प्रॉब्लम्स एंड देयर सॉल्यूशन। तो सोशियोलॉजिस्ट जो होते हैं, वो क्या करते हैं, गेन करते हैं नॉलेज रिगार्डिंग सोसाइटी, सोशल प्रॉब्लम, सोशल और उनके सॉल्यूशन कैसे करना है। सोसाइटी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, सोशल प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उनको कैसे हैंडल करना है, उनका सॉल्यूशन कैसे देना है, तो ये सोशियोलॉजिस्ट जो होते हैं, वो इन चीज़ों को गेन करते हैं कि ये प्रॉब्लम किस वजह से हो रही है और इनका सॉल्यूशन कैसे करना है। लास्ट पॉइंट इज, द स्पेशलाइज्ड फील्ड्स ऑफ सोशियोलॉजी विच गिव्स नॉलेज टू द स्टूडेंट्स ऑफ सोशियोलॉजी अबाउट डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन सोशल लाइफ। अगर हम सोशियोलॉजी की किसी स्पेशल फील्ड में डील कर रहे हैं, स्पेशलाइज्ड हमारी कोई फील्ड है रिगार्डिंग सोशियोलॉजी, तो उससे हमें क्या बेनिफिट होता है, हमें नॉलेज मिलती है, स्टूडेंट्स को नॉलेज मिलती है रिगार्डिंग डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन सोशल लाइफ। हमने सोसाइटी में कैसे डील करना है, सोसाइटी में हमें कैसे एडजस्ट होना है, एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट करना है, कैसे एक दूसरे की हेल्प करनी है, तो ये सोशियोलॉजी हमें प्रोवाइड करती है नॉलेज। तो ये सारे स्कोप थे इन द फील्ड ऑफ नॉलेज, जहाँ से हमें नॉलेज मिलनी होती है, जहाँ से हमें नॉलेज गेन करनी होती है। नाउ व्हाट आर द स्पेशलाइज्ड फील्ड्स ऑफ सोशियोलॉजी। हमने ऑलरेडी एक पॉइंट डिस्कस करा कि जब हम किसी स्पेशल फील्ड में सोशियोलॉजी की स्टडी करते हैं, तो हमें नॉलेज प्रोवाइड होती है रिगार्डिंग डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो वो कौन कौन सी स्पेशलाइज्ड फील्ड हैं, वो अब हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज़ रूरल सोशियोलॉजी। तो इसमें हम रूरल एरिया की जो लोग होते हैं, उनके ऊपर स्टडी करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ अर्बन सोशियोलॉजी। तो इसमें जो अर्बन सोसाइटीज़ होती हैं, उन पे हम स्टडी करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ मेडिकल सोशियोलॉजी रिलेटेड टू मेडिकल। नेक्स्ट वन क्रिमिनोलॉजी रिलेटेड टू क्रिमिनल, क्रिमिनल के ऊपर हम स्टडी करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ सोशल साइकोलॉजी। नेक्स्ट वन इज़ इकोनॉमिक सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन रिलेटेड टू रिलीजन, रिलीजन के ऊपर स्टडी करते हैं। नेक्स्ट इज़ इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी, जहाँ पे हम काम करते हैं, वर्कर्स होते हैं, उनके ऊपर जो स्टडी होती है, दैट इज़ इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी। नेक्स्ट वन इज़ सोशियोलॉजी ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स, यहाँ पे हम सोशल प्रॉब्लम्स के साथ डील करते हैं, उनके सोल्यूशन निकालते हैं। नेक्स्ट वन इज़ सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट इज़ पॉलिटिकल सोशियोलॉजी एंड लास्ट वन इज़ सोशियोलॉजी ऑफ द फैमिली। तो ये हमारी स्पेशलाइज फील्ड हैं, जिनके ऊपर हम स्टडी करते हैं। एक स्पेशलाइज हमारी जो फील्ड होती है।
सो इन द फील्ड ऑफ नॉलेज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हमें नॉलेज की फील्ड में सोशोलॉजी कैसे इंपॉर्टेंट है और उसके क्या क्या स्कोप हैं। अब आता है हमारा इन द फील्ड ऑफ प्रोफेशन। अब प्रोफेशनली हमें सोशोलॉजी क्यों इंपॉर्टेंट है, उसके क्या क्या स्कोप हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट फील्ड जो आती है हमारी प्रोफेशन में, दैट इज़ टीचिंग। तो टीचिंग में क्यों इंपॉर्टेंट है सोशोलॉजी, सोशोलॉजी का क्या स्कोप है। कोई भी प्रोफेशन है जहाँ पे हम काम करते हैं, वहाँ पे हमें एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट करना है, कैसे एक दूसरे की हेल्प करनी है, कैसे एडजस्टमेंट करनी है, बिकॉज सबके लिए नए नए एनवायरनमेंट होते हैं, तो वहाँ पे हमने कैसे एडजस्ट करना है, तो हम कहाँ से सीखते हैं, सोशोलॉजी से। तो सोशोलॉजी हमें हेल्प करती है कि हमने सोसाइटी में कैसे एडजस्ट करना है, कैसे डील करना है। टीचिंग प्रोफेशन में भी वैसा है कि हमने स्टूडेंट्स के साथ कैसे डील करना है, स्टूडेंट्स के साथ कैसे इंटरेक्ट करना है, उनको कैसे टीच करवाना है, हमारी जो रिलेशंस है वो कैसे होने चाहिए। तो सोशोलॉजिस्ट में हमें हेल्प करती है कि हमने स्टूडेंट्स के साथ कैसे एडजस्ट करना है, कैसे बिहेव करना है। नेक्स्ट आते हैं हमारा रिसर्च एंड लास्ट वन इज़ एडमिनिस्ट्रेशन। तो प्रोफेशनली हमें कोई भी प्रोफेशन है जहाँ पे हम काम करते हैं, तो सोशोलॉजी हमें बहुत हेल्प करता है वहाँ पे एडजस्ट करने में, क्योंकि सारे अलग अलग तरह के लोग होते हैं और हमने एक दूसरे के साथ कैसे रिलेशन बनाने हैं, कैसे एक दूसरे के साथ एडजस्ट करना है, तो सोशोलॉजी उसमें हमें बहुत हेल्प करता है। चाहे कोई भी प्रोफेशन है, हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, तो सोशोलॉजी हमें बहुत हेल्प करवाती है एडजस्ट करने में। बिकॉज़ वी आर सोशल एनिमल, हम अकेले सर्वाइव नहीं कर सकते, तो हमें एक दूसरे के साथ एडजस्ट करना ही पड़ता है, तो सोशोलॉजी हमें हेल्प करवाती है एडजस्टमेंट में। चाहे फिर वो कोई भी प्रोफेशन हो, चाहे टीचिंग हो, चाहे रिसर्च हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, या कोई भी प्रोफेशन हो। सो दीज ऑल आर द स्कोप्स ऑफ सोशोलॉजी। तो इस वीडियो में हमने स्कोप करे हैं सोशोलॉजी के। प्रीवियस वीडियो में हमने मीनिंग एंड डेफिनेशन एंड नेचर ऑफ सोशोलॉजी किया था, जिसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, सो दैट आपके लिए इजी हो जाए पहले वाली जो वीडियो है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ टॉपिक। थैंक यू सो मच।